जस्ट क्विक रिवीजन ऑफ द फॉर्मेट ऑफ जीडी. Whosoever is new, just please listen carefully. GD includes three important parts, that is introduction, body, and conclusion. All right. Now, introduction includes five important things which you need to introduce while you are, giving your introduction of the topic. Number one comes your greetings. All right. Greetings and regards to everyone. Number second comes your name and the name of your topic. Number three comes any definition, any meaning. Whatever you understand by the topic, in any general view about the topic, you have to give that. What is your thought on this particular topic and how you wish to start the topic? All right. Also, you can add on the categorization of the topic. Like suppose any kind of topic you want to discuss is positive and negative as well. So you can categorize both the things. All right. Number five comes open the house for discussion. Am I clear this much? ये पांचों चीजें होनी चाहिए while you are giving your introduction. I think I should be bilingual because there are a lot of people maybe if that, like should I bilingual or shall I be in the English only? Bilingual मैम What preference of yours? Bilingual Yes So ma'am. guys, ये आपका फॉर्मेट है प्रॉपर फाइव चीजें एंड वॉइस क्लियर नहीं आ रहा. दीज फाइव थिंग्स यू नीड टू बी गिव इंट्रोडक्शन. ऑलराइट. नाउ बॉडी कम्स, यू हैव टू गिव योर इम्पोर्टेंट. अब आ रही है, अब आ रही है मेरी आवाज क्लियर? हाँ यस मैम. कभी लाइक करने लगता. तो बॉडी में हमें वी नो वी नीड टू गिव इम्पोर्टेंट रेलिवेंट कंटेंट. वी हैव टू गिव अ रेलिवेंट पॉइंट. बेसिकली सबको मौका देना. प्लीज लेट एवरीबडी स्पीक एंड इफ समवन इज गिविंग एग्जाम्पल एंड समथिंग लाइक दैट, लेट देम कंप्लीट फर्स्ट. ठीक है? ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. इट्स इट मेक्स अ बैड इम्पैक्ट. ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. प्लीज रिस्पेक्ट एवरीबडीज पॉइंट एंड एवरीथिंग ऑल दैट. इफ आई टॉक अबाउट कंक्लूजन कैसे करते हैं, मनीकांत परनीत हूसोएवर न्यू हियर, कंक्लूजन हमें सबके बिहाफ पे करना होता है. ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी वन आई वुड लाइक टू कंक्लूड द टॉपिक. कि हमारे मतलब मेरे फ्रेंड्स ने या मेरे कलीग्स ने क्या क्या बोला, तो हम दो तीन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं. एज सुरभि सेड दिस, एज वी हैड डिस्कस दिस, एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से दिस, थैंक यू. ठीक है? आप गाइस कंक्लूजन में ये गलती करते हो दैट सारी समरी सुना देते हो जो एक एक बंदे ने बोला है और एक एक पॉइंट बोला है. वैसे नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है कंक्लूजन में एंड अपना पॉइंट भी देना है. एंड सेम गोज फॉर द इंट्रोडक्शन. फर्स्ट यू नीड टू टेल मी दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टॉपिक. टॉपिक क्या है, क्या समझते हो आप उसके बारे में, देन हाउ यू हैव टू स्टार्ट अ टॉपिक. ऑल राइट. इज इट फाइन एवरीवन? यस मैम. लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बोलो बट प्लीज आपके पॉइंट्स को क्लियर रखना. ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू लाइक अनाउंस द टॉपिक टुडे. टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, हाउ यूजफुल दे विल बी. ये पहले किसी ने किया है? अगर किसी ने किया है जस्ट डू लेट मी नो. टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज, प्लीज राइट डाउन द टॉपिक एवरीवन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. आई एम जस्ट पुटिंग इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, हाउ यूजफुल दे विल बी. इज द टॉपिक क्लियर? वी नीड टू टॉक अबाउट इज द स्मार्ट सिटी, हाउ दिस प्रोजेक्ट गोइंग टू बी यूजफुल, वॉट कैन बी यू नो डन फॉर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट टू मेक इट सक्सेसफुल एंड ऑल दैट. एंड इफ यू नो एनी एग्जाम्पल रिलेटेड टू द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है या कुछ भी, तो प्लीज इंट्रोड्यूस एंड गिव बेटर यू नो कंटेंट. आई वुड से गिव बेस्ट एग्जाम्पल वट एवर द पॉसिबल. ऑल राइट. Please start the topic. So, hello friends, my name is Urbi Sharma and I take the opportunity to initiate the discussion. So, the topic given to us is smart city project, how useful they will be. In my opinion, this topic is of interesting relevance. There could be many aspects for a city to be smart that, for example, that everything, each and everything should be available in a smart city, like transportation, proper roads,
मार्केट्स एक्सेट्रा, एंड एवरीथिंग शुड बी ऑटोमेटिक एंड ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन ग्रोसरीज एंड गुड्स थ्रू एप्स लाइक ब्लिंकिट. ऑल्सो द सिटी शुड बी पॉल्यूशन फ्री एंड क्लीन एंड क्लीन. सो नाउ आई इन्वाइट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. Yeah, हाँ yes, Surbhi. I totally agree to your point. Actually, if there is a proper planning, then we can basically properly allocate the resources of that city. Proper management can be done. Like if there is an infrastructure development, then because of which connectivity can be there, and communication towers can be built up, so better access to networking is also there. और इससे बहुत लाभ, Now, बहुत लोग भी मिल सकता है, जैसे इसे बेरोजगारी कम होगा इससे, अगर स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम करें, और एनवायरनमेंट अच्छे होगा. so many things is there इसीलिए for the हाँ smart city ठीक project. I think मुझे मुझे लगता है कि वो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, प्ले ग्राउंड होने चाहिए वहाँ के बच्चों के लिए, और वहाँ के स्कूलिंग प्रो स्कूली बच्चों के लिए स्कूल जो भी हैं वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर सही से होनी चाहिए. स्कूल में जो भी सारी चीज़ें, आई थिंक जैसे टॉयलेट हो गए, सारी चीज़ें हाइजेनिक होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और उस प्ले ग्राउंड में देन सैनिटरी म्यूनिसिपल ऑफिस होनी चाहिए आसपास, जो वहाँ पे स्मार्ट सिटी में वो देखे और आई थिंक वो उस पे मॉनिटर करे, और डेली टू डेली यस बेस पे वो से यस साफ जो एग्जैक्टली सफाई हो, और साथ में जो है वाटर आसपास के जो वहाँ पे नाले बने होते हैं उसको साफ साफ सफाई हो डेली प्रोसेस में हो, एंड दे विल बी प्रो बेसिकली एंड मतलब आई किसी भी थिंक सिटी में, मतलब स्मार्ट सिटी का अगर प्रोजेक्ट मतलब इंट्रोड्यूस होता है या एलोकेट होता है, तो मतलब उससे मतलब एक पर्टिकुलर फायदा यह होता है कि फॉरेन टूरिज्म में बहुत अट्रैक्ट होता है, और मतलब जी जो उस एरिया का मतलब जीडीपी इंक्रीज भी होता है, और मतलब ओवरऑल कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है, और उस और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करता है उसके कारण, और काफी यस इंडस्ट्रीज ओके भी उधर आई अपनी विल लाइक स्मार्ट टू सिटी ओके अपने आई विल इंडस्ट्रीज लाइक सेटअप टू करना आंसर चाहती वन है, मतलब इंडस्ट्रीज भी सेटअप करना मोर चाहती है. मतलब जैसे किसी अपन एग्जांपल ले सकते हैं गुजरात का, तो गुजरात का ट्रांसपोर्टेशन मतलब इंडिया में सबसे बेस्ट है, मतलब मैंने जब गुजरात विजिट किया था तो मुझे सबसे सही लगा, उसके कारण गुजरात का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत इंक्रीज हुआ, काफी कंपनीज उधर आना चाहती है क्योंकि तो उनको एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है उनके लिए, मतलब टाइप स्मार्ट ऑफ सिटी स्मार्ट में सिटी के लिए. बेसिकली एक कॉरिडोर बनाया जाता है, जिसमें मतलब बिजनेस के लिए सेपरेट, इंडस्ट्रीज के लिए एक सेपरेट कॉरिडोर रहता है. और ये जो स्मार्ट सिटी है, इंडिया गवर्नमेंट ने 300 सिटी चूज की है इंडिया में, इसमें मतलब वेल प्लान्ड सिटीज होंगी रहने के लिए भी, और साथ में बिजनेस के लिए भी एक अच्छा कॉरिडोर बनाया जाएगा, बिजनेस के लिए सेपरेट कॉरिडोर्स और वेरियस ऑफिसेज वगैरह बनाए जाएंगे. स्मार्ट सिटी में हर चीज प्लान्ड रहती है, मार्केट से ट्रांसपोर्ट से लेके स्कूल, और फायर अलार्म्स भी रहेंगे जहाँ पे ऑफिस है और स्कूल्स वगैरह हैं, घर हैं. इस टाइप से अभी 300 सिटीज को सोचा गया है स्मार्ट सिटी बनाने के. ये सारी सुविधाएं अगर सोचा सिटीज में होंगी तो गया है, हमारे प्लानिंग तो होनी चाहिए समाज कुछ समाज आया में हुआ लोगों स्मार्ट को सिटी सारी पे, जब सुविधा प्लानिंग होगी. करते हैं जहाँ कोई और भी, तो उसके प्लानिंग में ये होना चाहिए कि नियर बाय एरिया जो है उसमें उसमें कहने का मतलब है वहां पर रोड कनेक्टिविटी हर जगह होनी चाहिए, और दूसरा उसमें होना चाहिए कि जहाँ पर जैसे स्कूल्स हैं या फिर कोई जहाँ पे लोग जहाँ पे एरिया वैसा है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेस है, तो उसके आसपास में उनको वहां पर उनके पास जाने के लिए आने जाने के लिए व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, और उनके और देखना चाहिए कि सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे गार्डन्स हैं या फिर कोई है, तो मतलब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए. यस वन सिखन, ऑफ द आई आई वुड वुड लाइक लाइक टू ये मेंशन सारी चीजें होने दैट के बाद उस मैंने समाज के लोगों लाइक को देयर इज अ ज्यादा सिटी बेनिफिट होगी, टाइम इन कंज्यूमिंग कम होगा, तेलंगाना. कहीं भी ट्रेवल करने में अगर ट्रांसपोर्टेशन सही होगी तो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाने में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी, तो ऑब्वियसली सी वहाँ के लोगों को सुविधा होगी, समाज पे असर पड़ेगा और वो कम टाइम में कहीं ना कहीं अपने मूव कर सकते हैं. और यहाँ से क्या होता है कि मार्केट अगर सही होगा तो यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो लोगों के वहाँ पे जो है सो हैप्पी हैप्पी इंडेक्स
वहाँ के लोगों के बढ़ेंगे, खुश रहेंगे लोग, और एम्प्लॉयमेंट देन भी इंक्रीज होगा बेसिकली, हाँ उस यस इट बिल्कुल विल इंक्रीज बिल्कुल द एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल बिल्कुल यस हाँ मणिकांत, एक्चुअली देयर ऑल्सो ए सिटी लाइक अमरावती इज बीन सेट दैट इट इज अ स्मार्ट सिटी, एंड या ऑल्सो इट इज ऑल्सो सेट दैट स्मार्ट सिटी आर द एफिशियंट सिटी बिकॉज देर इज प्रॉपर वेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट सिटी। लाइक इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड सिटीज, देर इज नॉट अ प्रॉपर सीवेज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बीन डन बट द रिटर्न इज नॉट प्रॉपर, एंड दीज सिटीज आर एक्चुअली प्लान्ड इन एडवांस सो देर इज अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, सो यस दीज यस सिटीज आर ऑल्सो बिल्कुल टर्म्ड एज द एग्जैक्टली। एफिशियंट आई सिटी। बट आई वुड ऑल्सो लाइक लाइक टू लाइक ओल्ड ओल्ड सिटी स्मार्ट सिटी का के जो दैट स्मार्ट सिटी भाई के जो भी ओल्ड सिटी म्युनिसिपल को ही ऑफिसर्स होंगे, प्लान म्युनिसिपल करके कमिश्नर्स न्यू होंगे, स्मार्ट वो सिटी चीज बनाया वहां जा पे रहा है। वो चीज म्युनिसिपल जो भी कॉरपोरेट होंगे वहां पे लोगों अगर लोग वहां पे जागरूक होंगे, लोग वो स्मार्ट सिटी के होंगे, वो साफ सुथरे पे ध्यान देंगे, और वो फिर अल्टीमेट जो है कि एक कहीं ना कहीं एक समाज को हमें सोसाइटी को वो इम्प्रूवमेंट के लिए वो हमें जो कहीं ना कहीं वो फिर हमें आई थिंक अगर ये सैनिटरी पर्पस से जो है मतलब क्योंकि अगर वेस्ट मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट स्मार्ट करना है, इट्स सिटीज नॉट आर ओनली द नॉट म्यूनिसिपल, ग्रीनफील्ड नॉट ओनली द प्रोजेक्ट इन इंडिया। म्यूनिसिपल। हेलो, मोस्ट ऑफ द स्मार्ट सिटीज आर नॉट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इन इंडिया, दे आर बिल्ट ऑन द ओल्ड सिटीज ओनली, सो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू रिन्यू अ ओल्ड सिटी बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्लान्ड, एंड देन प्लानिंग इट्स इन अ न्यू वे इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर गवर्नमेंट या एंड पीपल ऑफ यस उज्जवल, दैट एंड सिटी। या ऑल्सो लाइक वॉट सो दानिश हैज डिस्ट्रिक्ट सेट, हैज लाइक अ रिस्पॉन्सिबल स्मार्ट सिटी सिटीजन्स देखना एंड चाहिए। रेदर देन ओके द रिस्पॉन्सिबल म्युनिसिपैलिटी और द गवर्नमेंट, वी शुड हैव मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बिकॉज दे आर या द वन सिटी फॉर उसमें बिल्कुल। बिल्कुल लोगों को यस सिटीजन्स को ये सिटीजन्स को पहले पहले अपनी वो होनी चाहिए कि जो उनकी सर्विसेज हैं कि वो सब अच्छी चल रही है कि नहीं, जैसे कि किसी को पोस्टल सर्विस अच्छी चल रही है या फिर कोई मतलब उनको जो रिक्वायरमेंट्स है उनको बेसिकली ये है कि उनकी सर्विसेज अच्छी चले और उनका और यूजली जो 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 जहाँ जो, कोई बिजनेस होता है तो उस इलाके को अलग से क्या किया जाना चाहिए, उसमें उसमें सारी फैसिलिटीज वहां पे होनी चाहिए। जैसे बिजनेस एरिया दुबई में लेके जाते हैं तो वहां पर सब बिजनेस फैकल्टीज वहां पे दी जाती हैं। बिल्कुल तो यही यस स्मार्ट यस सिटी का सर, प्लान आई है एक्चुअली यहाँ लाइक पे टू ऐड प्रोजेक्ट वन यूएक्स पॉइंट एरिया बनाने के लिए। सर, आई एक्चुअली लाइक स्मार्ट टू सिटी ऐड में वन मुझे पॉइंट ऐसे यूजफुल होगा, दैट स्मार्ट द सिटी में स्मार्ट कैसे सिटीज आर होगा कि बेसिकली जैसे हमारे मार्केट मार्केट एरिया हो गया अलग एक सेपरेट हो जाएगा, हमें मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी एक अलग से अलग एरिया में मिल जाए, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस हो स्मार्ट सिटी में, और प्ले ग्राउंड एक अच्छी सी बड़ी सी हो जो वेल डिफाइंड हो, जिससे कि हमारे सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हो, बच्चे हो या यंग हो या फिर एडल्ट हो, जो भी जाए एक प्ले ग्राउंड में हर तरह के लोग एंजॉय कर पाए और उस चीज को जो है वहां पे अपने आप को रखें और वो उस चीज को फिर एंजॉय कर पाए, और जैसे कि और भी चीजें हैं पॉपुलेशन फ्री कर सकते हैं, ये पॉल्यूशन फ्री सॉरी पॉल्यूशन फ्री के लिए कर सकते हैं कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन पे जैसे कि रोड ही बना हुआ है तो रोड एक अच्छे वे में प्लान तरीके से हो, और आई थिंक मणिकांत, मणिकांत फैसिलिटीज एक्चुअली लाइक वी ऑल आर टॉकिंग एम्बुलेंस एंड अबाउट द फायर दे इकोनॉमिक शुड बी ग्रोथ, अवेलेबल 24/7, बिल्कुल एंड यू ऑल यूजली थिंग्स एन विल बी गिव द इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल थिंग्स विल गिव द मणिकांत, ऑल्सो द वी ऑल आर फैसिलिटीज टॉकिंग लाइक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट बिकॉज ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट देयर विल बी एन इकोनॉमिक ग्रोथ टू द कंट्री, बट वी ऑल्सो हैव टू सी द अदर साइड, लाइक इफ वन ऑफ द सिटी इन अ स्टेट्स गेट डेवलप देन देयर इज ऑल्सो अ प्रेशर डेवलप इन द नियर बाई सिटीज, एंड दिस ऑल्सो कैन बी सीन इकोनॉमिकली लाइक देर इज अ नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ द स्टेट बिकॉज सम सिटीज आर डूइंग बेस्ट बट सम सिटीज आर देयर वेयर नॉट प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज आर देयर। ऑल्सो स्मार्ट यू कैन सिटी से होने लाइक का दिस ओके स्मार्ट सिटी बट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दानिश कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्सो स्मार्ट वी कैन सिटी से इज टू लाइक मेक दीज स्मार्ट सिटीज आर बेसिकली हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स, सो यस मतलब स्मार्ट आई सिटी होने का एक फायदा और अग्री है, जैसे बट उस द सिटी का कॉन्सेप्ट मतलब क्राइम रिड्यूस हो अगर जाता है और सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है उस एरिया की, यस मतलब कोई भी यस सिटी के लिए। ये वन वन पॉइंट पॉइंट इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज दे वॉन्ट सम फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ बिजनेस इन दैट सिटी सो दैट फॉरेन क्लाइंट्स कैन कम स्टे देयर एंड लाइक दे विल नॉट हैव सो मच प्रॉब्लम इन डूइंग बिजनेस बिकॉज एवरीथिंग विल हैव सेपरेटेड सेपरेट एरिया
लाइक फॉर लिविंग एंड फॉर आई इंडस्ट्री एग्री विथ यू फ्रेंड्स, या बट हाँ फॉर स्टे करने के लिए फॉरेन अभी कंट्री के जो भी तो क्लाइंट आएंगे वहां से, हाँ द जो भी एम बाहर इज से टू आएंगे, प्रोवाइड इसके लिए वर्ल्ड क्लास गेस्ट सम हाउस प्रॉपर सिटीज अच्छे से होने चाहिए। या सो द एम इज टू प्रोवाइड एटलीस्ट सम सिटीज इन इंडिया शुड बी ऑफ लेवल ऑफ लाइक शंघाई सिटी ऑफ चाइना लाइक दैट इज आवर एम दैट एटलीस्ट 300 सिटीज शुड हैव बेस्ट फैसिलिटीज इन इंडिया सो दैट एक फॉरेन पॉइंट अभी इन्वेस्टर कैन एक कम पॉइंट एंड दानिश ने स्पेंड बोला था, देयर एक पॉइंट कैपिटल। दानिश बोला था सो शुड बी दैट रोटेट हो रिस्पॉन्सिबल रहा है, फॉर सिटीजन मेन या अभी सिटीजन तक शुड पॉइंट ऐड डेफिनेटली कर रहा हूँ। डेफिनेटली नहीं सिटीजन अभी शुड तक बी पॉइंट पे मैं ऐड रिस्पॉन्सिबल। करता हूँ कि अगर किसी स्मार्ट सिटी अगर बनाया जाए तो दूसरे सिटी पे कोई अफेक्ट ना पड़े, जो अभी हमने बात की कि मेनली मतलब मतलब उनके जो नियर बाई सिटीज है उनको ध्यान में रख के बनाया जाए। जैसे गुजरात में बनाया गया कि नियर बाई सिटीज है उनको भी उस लेवल तक आना चाहिए कि दोनों मतलब सस्टेन हाँ कर सके वहां पर। ये जरूरी है ये कि वो बाकी सिटीज पे भी ज्यादा इफेक्ट ना पड़े पर डेफिनेटली हमें ऐसी नहीं थ्री हंड्रेड अगर अगर ऐसी अगर कोई स्मार्ट सिटीज सिटी बनती है तो हमारे आसपास के भी सिटीज को वो डेवलप करने में ही मदद करेगी, हमेशा या में वो मदद आसपास के करेगी। डेवलप डेवलप करने में मदद करेगी। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर लोग आसपास के लोग होंगे तो वहाँ से वो इंकरेज होंगे कि मुझे भी करना है, वो जब भी एक तरह से किसी अपने भी सिटी डेवलपमेंट को हाँ मतलब डेवलपमेंट किसी देखा जाता है, अपने बड़ी डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उनका मिल जाता है पहुंचाएंगे, तो वो फिर उसके जो लिए है सिटी सोचेंगे और कि उस चीज इंफ्रास्ट्रक्चर को है बढ़ाना वेस्ट है। और रिसाइकलिंग और प्लांट भी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, एक दानिश ने एक बात बोली थी कि मतलब सिक्योरिटी के सिटी। बारे में, अगर स्मार्ट सिटी होगी तो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी होगी और सबसे क्राइम भी अच्छी कम बात है कि होगा। हाँ सिक्योरिटी हाँ प्लान वो सिक्योरिटी होने से बहुत सारी चीजें जो है डिपेंड मतलब क्राइम करेगी कम सम होगा हाँ उस सिटी में, क्राइम और कम हाँ होना क्राइम चाहिए कम यूजली, होगा क्राइम बिल्कुल बिल्कुल हमें बिल्कुल वेस्ट क्राइम कम होगा। उसके अलावा हमें ऑल्सो वेस्ट वुमेन मैनेजमेंट शुड के बी बारे में भी सेफ देखना फ्यूचर चाहिए कि शहरों में जैसे वेस्ट हो जाता है तो ज्यादातर मटेरियल ऐसे या बनाए जाए सुरभि भी जो सुरभि में एक बायोडिग्रेडेबल पॉइंट थे हो कि वो और वुमेन्स उसका वुमेन्स के और लिए जो सिक्योरिटी है वो भी हमारा मजबूत होगा जिससे कि हाँ यस समाज के हर वर्ग के लोगों को सुविधा मिलेगा सिक्योरिटी की वजह से। गाइज आई थिंक वी शुड वाइंड अप नाउ। यस दानिश वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, लाइक वी ऑल आर फोकसिंग हेलो अपॉन सो द आई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एंड दीज आर हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट्स, सो वी हैव सीन लाइक इन तमिलनाडु विलेजेस आर देयर दैट आर टर्न इन टू स्मार्ट विलेजेस, लाइक द होल ऑफ द विलेज इज बीन कन्वर्टेड इन टू सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई, सो लाइक वाइज दीज फ्यू इनिशियटिव कैन ऑल्सो बी टेकन सो एज टू रिड्यूस द हाई कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ऑफ द अर्बन सिटीज। यस 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 आई एग्री विथ यू, सोलर एनर्जी एंड सम काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी शुड बी यूज टू सप्लाई द पावर इन स्मार्ट ओके सिटीज। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक वी वाइंड अप, या आई वी थिंक यू शुड शुड वाइंड वाइंड अप, अप, वी शुड वाइंड। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कंक्लूड अपॉन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय कंक्लूजन that we discussed many aspects, everybody gave their opinion, and first of all we started a discussion that what things are there in smart city, like smart city may involve better roads and better facilities of education and hospitals, and they will be useful for the people because they will enhance their productivity and they will enhance their efficiency. And I think that first of the point was that the smart city must be pollution free, that we should use all those things that make the cities pollution free, that there should be no pollution. And then when they're working, then the planning must be that the road planning should make the city more productive, like it must be better. And another point which was that smart city must be more connective, like everybody should be connected with each other, like easily with different things. And also the ambulance should be ambulance and health facilities should be available all around all the day it should be available. And we should also and another point which was given by Danish was that security must be improved. That's that if, when you are in the cities, the security must be better. And another thing was that since the development should be uniform, like it must not be that some cities are developed and other cities are not that much. So we should work towards making the city uniformly developed, and all the cities must be
मस्ट बी बिकम स्मार्ट सिटीज एंड सोलर एनर्जी एंड वी मस्ट फोकस ऑन सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो दिस विल बी द रोड मैप ऑफ आवर फ्यूचर सिटीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सोलर एनर्जी. Are we done? यस मैम. टॉपिक समझ आया? टॉपिक क्या है? स्मार्ट आया मैम. यस मैम. सिटी. स्मार्ट सिटी ठीक है. व्हाट आर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स एंड हाउ दे वुड बी यूजफुल आई वुड से राइट. ये आपका टॉपिक था जो आप लोगों ने अच्छा डिस्कस किया. आई वोंट से दैट इट वाज बैड. अच्छे पॉइंट्स थे. ओके आई एम स्टार्टिंग विद द सुरभि. सुरभि ने इंट्रोडक्शन दिया, दैट वाज गुड. ऑल राइट. Then Manikanth was saying that school should be there, park, playgrounds, and municipal offices should be nearby, and all that. Danish was talking about the GDP of all over the city and all over the country, all over the nation, and giving the example of Gujarat, the best transportation system in Gujarat. Industrialization is Gujarat. That I agree. Ujjwal was saying that smart city project में business का अलग से corridor होता है, एक अलग pattern होता है बिजनेस के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का. ठीक है. और इंडिया में जो है 300 सिटीज का प्रोजेक्ट लिया गया है, दैट लिविंग शुड बी डिफरेंट लाइक सेपरेट एंड फायर अलार्म शुड बी देयर एंड ऑल दैट. एंड शिखर वाज सेइंग दैट स्कूल्स के आसपास गार्डन्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्ले ग्राउंड होने चाहिए ताकि बच्चे और सब लोग वहां पे खेल सकें. ऑल राइट. मानिकांत ने फिर उसमें ऐड करा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी शुड बी देयर, मतलब लोकली अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो मतलब वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आई थिंक दैट कुड बी बेटर. ऑल राइट. अविरल वाज सेइंग दैट स्मार्ट सिटी इज द एफिशिएंट सिटी एंड दैट इज द रियली ट्रू. आपकी साउंड ब्रेक हो रही है मैम. आपकी साउंड ब्रेक हो रही है. आवाज नहीं आ रही है. उज्जवल वाज सेइंग स्मार्ट सिटी. हेलो. अब आ रही है गाइस, अब आ रही नहीं. है हाँ, अब आवाज. आ रही है मैम. अब आ रही है. ठीक है बारे ठीक में है ठीक है. ऑल राइट. तो उसके बाद सुरभि ने फिर से बोला सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर, क्योंकि मतलब हाँ. फिर आप लोग बोल रहे थे कि पोस्टल सर्विसेज मिल रही है कि नहीं, हर टाइप की सर्विसेज प्रॉपरली मिल रही है नहीं. ने बोला मार्केट इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस होने चाहिए. ठीक है ओके. फिर अविरल ने एक न्यू डायमेंशन इंट्रोड्यूस की, दैट इज जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है दैट इज आल्सो गिविंग प्रेशराइज टू द नियर बाय सिटी राइट. एंड दैट इज ट्रू. ओके आल्सो इट्स अ हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्मार्ट सिटी, दैट इज आल्सो ट्रू. फिर दानिश ने सिक्योरिटी की बात करी कि अगर स्मार्ट सिटी है तो सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, दैट इज ओके. ऑलराइट. उज्जवल वाज सेइंग दैट स्मार्ट सिटी इज फॉर द ड्यू टू ऑफ ईज ऑफ लिविंग, बिजनेस को इजी बनाने के लिए, फॉरेन नेशन के साथ फॉरेन बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, दैट कैन बी द प्रोजेक्ट. अब्दुल ने बोला कि अगर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो इट शुड बी प्लान्ड इन सच अ मैनर दैट अनदर शुड अनदर सिटी शुडंट बी डिस्टर्ब बाय दैट. ठीक है. मनीकांत ने फिर सिक्योरिटी वाला पॉइंट दानिश के साथ ऐड करा. फिर शिखर वॉज स्पीकिंग, दानिश वॉज अगेन स्पीकिंग. अविरल वॉज सेइंग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी पैनल रिन्यूएबल एनर्जी शुड बी देयर. ठीक है. शिखर ने अच्छा इंट्रोडक्शन किया, बट शिखर मेरे को लगा लास्ट के एक आधे पॉइंट आप छोड़ भी देते तो भी अच्छा होता, वो मतलब थोड़ा लंबा चला गया था. ठीक है. बीच वाले पॉइंट अच्छे दिए थे. पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, रोड प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एम्बुलेंस एंड हेल्थ फैसिलिटी शुड बी देयर. ऑल राइट गाइज. अब आप लोगों ने किसी ने भी बात नहीं करी द स्मार्ट सिटी में जो ये जिसको हम बोलते हैं ना लाइक स्लम एरिया, स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ियां एंड ऑल दैट है ना, स्लम्स एरिया बोलते हैं स्पेसिफिकली. जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है बड़ी सिटी, वहां पे चीजें ज्यादा होती है. बॉम्बे जैसी जैसी सिटी है ना. इवन इन आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, सो चंडीगढ़ में देखो यहाँ पे अच्छी सिटी है, स्मार्ट सिटी है, बट कोई ना कोई एरिया इसका भी है स्लम्स में. अब वो या तो फिर उनको भी अच्छे से फैसिलिटी दो, वो भी एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा होना चाहिए. और अगर तुम उसको बिल्कुल रिमूव करना चाहते हो दैट यू कैन नॉट, बिकॉज नोबडी हैज राइट कि आप किसी का मतलब घर की प्रॉपर्टी छीनो और फिर आप उसको स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का नाम देके उसको वो सब कुछ करो.
जो स्लम्स एरिया है दैट शुड ऑल्सो बी टेकिंग इन टू कंसिडरेशन, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट स्मार्ट सिटी. अगर आप स्मार्ट सिटी करो, आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी है, प्रोजेक्ट का हिस्सा है इंडस्ट्रियलाइजेशन. इन चंडीगढ़ ऑल्सो दिस इंडस्ट्रियल एरिया इज डिफरेंट. इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो अलग है, रेलवे स्टेशन के बाद जो C2 वर्कशॉप इज देयर, अलांटे इज देयर एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है, वो सारी चीजें वो इंडस्ट्रियल एरिया अलग है. बट स्लम्स एरिया क्या क्या, उसको तो कोई नहीं ठीक करा रहा. दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडर. आप लोग बोल रहे हो कि स्कूल्स के पास गार्डन होने चाहिए, प्ले ग्राउंड होने चाहिए, XYZ. किसी ने ये नहीं बोला कि स्कूल के पास क्लब नहीं होने चाहिए, स्कूल्स के पास लिकर एंड वाइन के शॉप्स नहीं होने चाहिए. देर आर लॉट ऑफ स्कूल्स विच आर नियर बाय द लिकर एंड वाइन शॉप्स, एंड हाउ मच दे आर अफेक्टिंग द स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स आर और द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, दे आर गोइंग टू द लिकर एंड वाइन शॉप, स्पेसिफिकली द 11th 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. दैट शुडंट बी देयर. वो स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है. अगर स्मार्ट सिटी आप डिजाइन कर रहे हो, यू शुड नो दैट वेयर इज योर यू नो दैट लिकर वाइन शॉप, वेयर इज लिकर वाइन लाइक शोरूम्स कहाँ पे हैं. ऑफिस के साथ में आप बना रहे हो, आप लोकल मार्केट जहाँ पे एवरीबडी यूज टू गो आप वहां पे बना रहे हो. लिकर वाइन शॉप के लिए दैट शुड बी द डिफरेंट एरिया, जहाँ पे एक आइडेंटिटी हो कि हाँ वहां पे अगर आपने जाना है तो ऐसे जाना है, ताकि बच्चों को ना पता हो. चिल्ड्रन शुड नॉट बी अवेयर अबाउट दैट, बिकॉज आधे से ज्यादा क्राइम तो वहीं से हो रहे हैं. बच्चे स्कूल से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, साथ में शोरूम है लिकर वाइन का वहां जाते हैं, एंड दे यूज टू बी डू द अनएथिकल एक्टिविटी. ऑल राइट. ऑल्सो यू कैन से इट आउट, देर आर लॉट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, लॉट ऑफ पॉपुलेशन. लाइक इफ यू कैन फिगर इट आउट, तो अगर आपको फिगर पता है आप यू नो अप्रोक्सीमेटली फिगर भी दे सकते हो. नाउ यू कैन डिवाइड दैट पॉपुलेशन इन टू सिटी. आप पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं आप एक बार सोच के देखो, और एक सिटी में स्मार्ट सिटी है वो, उसमें कितने ज्यादा लोग रहते हैं. ठीक है, इतने ज्यादा लोग रहते हैं जब स्कूल का ऑफ होता है, कॉलेजेस का ऑफ होता है, देयर इज अ ह्यूज क्राउड एंड एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग कैन बी टेकन प्लेस. द आई वुड से दैट यू नो व्हाट व्हाट वी कैन कॉल देम दैट पुलिस एंड ऑल स्टैम्पेड दैट शुड आल्सो बी देयर. ऑल राइट. कंट्रोल रूम पुलिस, यू नो देयर इज अ वैन, देयर इज टू पीपल इन द ऑफ द पुलिस स्टेशन लाइक दैट, पुलिस ऑफिसर दैट शुड बी देयर नियर बाय यू नो द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सो दैट कि कोई भी बच्चा जो कि यू नो ऐसी मिस हैपनिंग ना कर पाए, अनएथिकल एक्टिविटी ना कर पाए. वो एक स्मार्ट सिटी का हिस्सा है. रेंटल रूम्स होते हैं गाइस. सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, अकोमोडेशन की, बिकॉज सिटी इज समवेयर एक्सपेंसिव, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, तो हर कोई वहां पे अपना होम जो है नहीं बेयर कर सकता. ठीक है, पीपल हु आर यू नो कमिंग फ्रॉम फार फ्रॉम द सिटी, द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम द फार फ्रॉम द सिटी लिविंग इन द हॉस्टल्स पीजीज एंड ऑल दैट, दैट शुड बी वेल मेंटेन्ड, और उनके जो एक्सपेंडिचर है वो प्रॉपर होने चाहिए सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट. ऑल राइट. रेंटल हाउस की अगर मैं बात करूं, तो इफ देर इज अ स्मार्ट सिटी, तो आई थिंक देर शुड बी सेपरेट फ्री ऑफ कॉस्ट आई वुड से द रेंटल रूम where the people and the student can say specifically which they are coming for the interviews, they are coming for the exam, something like that. All right. यहाँ पे I'm just giving the example. In Chandigarh there is a Gurdwara Sahib, and Gurdwara Sahib में जो you know बहुत अच्छे rooms जो हैं वो free of cost students को दिए जाते हैं, उन students को जो यहाँ Chandigarh venue पे अपना competitive exam देने आते हैं. ठीक है, otherwise उनको one day का भी rental pay करना पड़ेगा. All right. दैट कैन बी एक स्मार्टनेस आप कह सकते हो. ई व्हीकल शुड बी देयर, सीटीयू नॉट सीटीयू बस, लोकल बस शुड बी देयर. ठीक है, लोकल बस का जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, आई थिंक दैट कुड बी मोर बेटर. यू नो द पीपल आर वेटिंग टू फॉर द हाफ एन आवर, वन एंड हाफ आवर, दैट शुडंट बी द स्मार्ट सिटी. ये सारी चीजें आप इंट्रोड्यूस करो. ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल इवेंट्स यू नो कैन बी टेकन प्लेस. अदरवाइज स्मार्ट सिटी इतनी ज्यादा हेक्टिक हो चुकी है, आई थिंक पीपल कैन नॉट एंजॉय द कल्चरल फेस्टिविटीज एंड ऑल दैट, दैट कैन बी टेकन. ठीक है, क्लब जो है दैट शुड बी फार फ्रॉम द लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड समथिंग लाइक दैट, उनसे दूर होने चाहिए, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से, स्कूल से. ठीक है, लोकल मार्केट से, क्लब्स एंड ऑल दैट. ठीक है, एक देर शुड बी प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर टू बी मेंटेन्ड,
आफ्टर 10 आपका क्या रूल रेगुलेशन है वो आपको मेंटेन करना चाहिए. पीपल यूज टू डू यू नो स्पेसिफिकली यंगस्टर्स यूज टू डू ड्रिंक एंड ड्राइव. ऑल राइट, ऑल्सो दे यूज टू बी ले डाउन ऑन द रोड इन द मिड नाइट. वो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी को हिंड्रेंस करता है एंड दिस इज गिविंग अ बैड इम्पैक्ट. इफ यू आर लिविंग इन अ स्मार्ट सिटी आई थिंक दैट विच सिक्योरिटी कैन बी बेटर. दानिश ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, सिक्योरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए गाइस, क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं है दैट शुड बी स्मार्ट सिटी. खारड़ इज देयर, मोहाली इज देयर इन द चंडीगढ़, दैट कैन बी कंसिडर्ड द वन ऑफ द स्मार्ट सिटी. बट गाइज वॉट इफ इफ रेप केसेस हैज बीन इंक्रीजिंग, इफ द सेक्शुअली असोल्टेड केस हैज बीन इंक्रीजिंग, इफ द गर्ल्स आर नॉट सेफ, इफ द बॉयज आर नॉट सेफ, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, वो सारी चीजें होनी चाहिए स्मार्ट सिटी में. सिर्फ प्लेग्राउंड्स होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ चिल्ड्रन पार्क होने से काम नहीं चलेगा. इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस होना चाहिए, दैट कैन बी गुड. सोलर पैनल होने चाहिए, दैट कैन बी गुड. स्कूल्स में भी सोलर एनर्जी पावर होने चाहिए. ऑल राइट उज्जवल, यस आई एम जस्ट लाइक टेलिंग यू, जस्ट प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज व्हाई यू गाइज हैव जस्ट स्विच ऑफ योर कैमरा. कुड यू प्लीज गिव मी लाइक एनी जेन्युइन रीजन? If you guys are sitting in the GD, just please stay, you know, stay here. I have switched off my camera because I have connection issue. And please Same, listen to me same. carefully. After that, you may leave. I don't like mine. All right. You can add on these kinds of points. After that, if I talk about your introduction, Surbhi has introduced the topic. That was okay. And usual, if I answer you your question that how to introduce the topic. First of all, greetings is must, and you can also add on that. I'm very glad to initiate this topic or to start this topic. My name is Ujjwal, and today's the topic of discussion is smart city projects, all right, and how they can be useful to us. After that, you have to introduce that what is smart city, Okay. right? You can tell me that, ma'am, smart city is a you know one kind of the smart city that is you know it's a urbanization basically. That what kind of you know amenities facilities are providing by the government in a specific urban area. All right, also you can introduce some example, like one of the example, ma'am, that government has taken the initiative to make 300 cities in the smart way. Okay. Obviously, if you know that what are the smart city, if you know some names, so you can also introduce that. Then Okay. after, you can give your point of view that, ma'am, I think smart should, you know, a smart city should be there when security is there. All right. Where proper housing facilities are there. Where slum societies are not existing. That is the basically smart city. ठीक है, ऊपर ऊपर से बाहर बाहर से सारी बिल्डिंग दिख रही है, अच्छी लग रही है, बिजनेस चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सब कुछ है, दैट इज गुड. बट जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है दैट इज इन द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अगर आप वो हाईलाइट करते हो अपने इंट्रोडक्शन में, I think that can be very much impressive introduction. Then after fifth number, you have to like invite all of your friends, guys. I open the house for the discussion, and I think we should you know we can give a worthy points towards the discussion, something like that. Okay, introduction बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. Same goes for the conclusion. Shikhar, I told you कि conclusion बहुत लंबा नहीं करना है. आपने कुछ पॉइंट्स वैलिड दिए, अच्छे थे, बट लास्ट का अगर एक आधा पॉइंट आप रिमूव भी कर देते तो दैट नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, अब मणिकांत, आप बहुत ज्यादा ओवर पार्टिसिपेट कर रहे थे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग. आप हर किसी के पॉइंट के बाद बोल रहे थे तो औरों को चांस नहीं मिल रहा था. ठीक है, ओह सॉरी मैम. या यू नीड टू बी 3 to 4 टाइम आपका मिनिमम, मतलब एवरेज पार्टिसिपेशन होता है, गुड पार्टिसिपेशन होता है. आप 5 to 6 टाइम पार्टिसिपेट करो, ठीक है, अच्छी बात. बट सारे जीडी में आप ही बोलते हुए दिख रहे हो, फिर वो अच्छी बात नहीं है. ठीक है, जैसे कोई बोलता है आप फिर बोलने लग जाते हो, जैसे कोई एग्जांपल देता है आप बोलने लग जाते हो, दैट नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, परमीत, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, मे बी इट कैन बी योर फर्स्ट जीडी, शायद इसलिए. मैं मेरा एक बार दो बार हम ट्राई किए बट कोई बोल ही रहे थे बीच में तो फिर वो कंटिन्यू अपॉर्चुनिटी नहीं यही कर तो पाए. Nobody is giving you the time. ठीक है, अब्दुल ने एक आधी बट बार पार्टिसिपेट किया, दैट वाज ओके, उसका भी फर्स्ट डिग्री था. अविल ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, दानिश कंटेंट अच्छा था जो दिया, बट आज कम पार्टिसिपेट कर पाए आप ड्यू टू जस्ट मैम ओवरलैपिंग एंड ऑल दैट.
आई आपने गेस बोला था कम ही करना पिछली बार, इसलिए मैं हाँ कम मतलब ही करना है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना है, कम ही करना है, बट आज ये का तो पूरा प्रॉब्लम 3 बार ही था, मतलब आई एम जस्ट नोटिंग डाउन योर नेम्स, तो आपका 2-3 टाइम भी था, फोर मेरा मैम फर्स्ट टाइम टाइम भी था तो था मुझे खाली पता ही नहीं था कितना करना था। सर बताते ना रहते सर। थे ना तो थोड़ा सा, वही तो सर सर बताते थे ना कि आपने इन्वॉल्व होना रहता है, आप इन्वॉल्व रहो हमेशा, हाँ इसलिए मैम इन्वॉल्व था। रहते हैं, बट मैंने आपको ये भी बोला था जब जीडी स्टार्ट करने से पहले कि गाइस ओवर पार्टिसिपेट मत करना। अब आपको पता लग गया 3 to 4 टाइम इज द मिनिमम, फोर ओके टू मैम, फाइव टाइम आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप 10-11 टाइम पार्टिसिपेट कर लो गाइस, दैट इज ऑल्सो बैड इम्पैक्ट, क्योंकि फिर आप औरों को चांस नहीं दे रहे, ठीक है। बट ऐसा भी तो तो कभी हो सकता है ना कि कोई अगर नहीं बोल रहा है और कोई लगातार बोले जा रहा है, ये भी गलत तो बात है। वो देखो एज अ टीम यू आर गिविंग द डिस्कशन ना, तो जी आप जी मैम, लोगों को देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली आप फिजिकली वहां बैठे होंगे, तो आई डोंट जी थिंक सो, सिचुएशन कैन बी वेरी, सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। अभी तो आप हम बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जी जी आपका डिफरेंट होता है, मैम, तो वी हैव टू आप जनरली मैम कितने स्टूडेंट्स रहते हैं एक जीडी में? जो एट नाउ वी आर या द 8 पीपल, 8 to 9, नहीं, वो मैम जैसे इंटरव्यू में जो IOCL का होगा या हाँ जी हाँ जो जी 8 to 9 रहते, 8? ओके हाँ जी ठीक है। यस वी आर प्रैक्टिसिंग इन दैट मैनर उज्जवल, उज्जवल यस मैम, ने आपने ठीक पॉइंट दिए उज्जवल, अच्छे थे, पर मेरे को लगता है यू नीड टू वर्क ऑन योर फॉर्मल लैंग्वेज, थोड़ा सा हमें ना अपने एक्सेंट पे काम करना होगा। हम हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, बट हम यस मैम, जो भी बोल रहे हैं ना, मतलब जो टोन होती है हमारी, वो जो हमारा फेस होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है उज्जवल, ठीक मैम फिर है। से तो बोलिएगा, ऐसा नहीं आपकी करना था वॉइस कुछ, मैम, आपकी ऐसा करना वॉइस चाहिए कि ब्रेक हो रही हाँ थी, आप फिर से बोलिए मैम, क्या बोल रहे थे मैम, आपकी अच्छा वॉइस अच्छा ब्रेक हो रही थी। हाँ हाँ उज्जवल, मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा थोड़ी सी लैंग्वेज को फॉर्मल करना है उज्जवल, ठीक ओके ओके है, गेटिंग माय पॉइंट, हाँ ओके दैट्स ओके। सुरभि आपने इंट्रोडक्शन दिया बट बाद में आपका पार्टिसिपेशन बहुत मतलब कम था, एक दो बार ही आप बोल पाए। आई ट्राइड बट सब लोग अपना बोले जा रहे थे, मतलब हाँ सब लोग अपना बोल ही जा रहे थे, बट वी नीड टू टेक द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वी डू नॉट हैव पार्टिसिपेट टू मच एंड टू लेस, आइडली यस मैम, पार्टिसिपेट करना है गाइस। आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत सारे पॉइंट्स यू हैव ऑलरेडी गिवन, आई हैव एडेड ऑन समथिंग, तो वो प्लीज आप थोड़ा सा कोशिश करिए। स्पेसिफिकली दीज काइंड ऑफ टॉपिक नीड डीप रूटेड